हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट क्विक एग्जाम। दोस्तों, आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन सीएन 1/2018 वाले ग्रेड्स के आरआरबी इलाहाबाद जोन से बहुत ही बड़ी ऑफिशियल अपडेट है। जी हां दोस्तों, एक और डिवीजन अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें दोस्तों पीसीएम टेक्नीशियन का यहां पर डिवीजन अलॉटमेंट किया गया है। इस वीडियो में ये भी बात करेंगे दोस्तों कि यहां पर आपकी जिन सभी लोगों का डिवीजन अलॉटमेंट हो चुका है उनकी ज्वाइनिंग कब तक होगी। साथ ही साथ दोस्तों, कैटेगरी नंबर 59, 61 और ALP इनका जो डिवीजन अभी तक अलॉट नहीं हुआ फाइनल पैनल का, उनकी अलॉटमेंट कब तक होगा। साथ ही साथ दोस्तों, NR की जो अलॉटमेंट लिस्ट आएगा या नहीं, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन सभी चीज़ों के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था, तो इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे जो डिवीजन अलॉटमेंट लिस्ट देख लेते हैं। उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही दोस्तों, वीडियो के लिए वीडियो पसंद आए जिसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मैं पहले आपको लिस्ट दिखा देता हूँ। जो टोटल यहाँ पे लिस्ट दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे आपकी लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें कैटेगरी नंबर 134 और 136 के लिए यहाँ पे आपकी पूरी लिस्ट है। तो इसमें आप दोस्तों जाके यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अगर बात करें लिस्ट में टोटल कैंडिडेट्स की, तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे लिस्ट जारी कर दी गई है, जितने लोगों की इससे पहले भी हो चुका था वो भी, और इसमें जो सारी इंक्लूड करके, तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं टोटल अगर हम बात कर लेते हैं तो 130 कैंडिडेट का 136 में। और वहीं अगर हम बात कर ले 390 का यहाँ पे 134 नंबर में, मतलब लगभग दोस्तों सभी लोगों का इससे पहले भी जो था उनका भी यहाँ पे इंक्लूड करके यहाँ पे डिवीजन अलॉटमेंट जारी किया गया है। और दोस्तों, ये डिवीजन आपका प्रोविजनल है, चेंज भी किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल लिखा है अलॉटमेंट ऑफ डिवीजन इज प्रोविजनल। तो ये रही दोस्तों पूरी डिवीजन अलॉटमेंट लिस्ट। दोस्तों, यह वेबसाइट पे आई थी NCR की, बट दोस्तों अभी डाउनलोड नहीं हो पा रही, वहाँ से कुछ रीजन वजह इसको हटा दिया गया है। तो मैं इसको अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, उसको आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। दोस्तों, मैं लिंक के थ्रू डिस्क्रिप्शन में नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि गूगल ड्राइव पे अगर लिंक से देता हूं और एकाएक अगर 1000 क्लिक आएगा तो मेरा गूगल ड्राइव बंद हो सकता है। इस वजह से मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर डाल रहा हूँ, उसको ज्वाइन करिए, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। अदरवाइज आपको किसी भी आपके इलाहाबाद के ग्रुप में, लगभग सभी ग्रुप में ये आपको मिल जाएगा, बट अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन लेना चाहते हैं तो इसको वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और उस ग्रुप को अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होती रहती हैं। ये तो हो गई दोस्तों बात यहाँ पे डिवीजन अलॉटमेंट की। अब बात कर लेते हैं कैटेगरी नंबर 59, 61 और ALP का डिवीजन अलॉटमेंट कब तक होगा। तो दोस्तों, किसी कारणवश से यहाँ पर रोका गया है, जहाँ तक मेरी अभी बोर्ड में कुछ लोगों से बात हो पाई है वो यही बता रहे हैं कि विद इन वन वीक इन सभी का यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि विद इन वन वीक बाकी का भी डिवीजन अलॉटमेंट आएगा, और यहाँ पे आपके पीसीएम टेक्नीशियन का आ चुका है। वैसे ही दोस्तों, ये वहाँ से बोला जा रहा है, मैं अपने से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अगर वहाँ पे कुछ और चेंजेज होता है तो वो भी आपको बाद में मैं बता दूंगा, अगर कुछ डिले होता है तो। बट दोस्तों, अभी तक की यही इन्फॉर्मेशन है कि विद इन वन वीक यहाँ पे आपका दोनों का डिवीजन अलॉटमेंट आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि 15 तारीख से पहले आप लोगों की 15 तारीख के आसपास से आप लोगों का डिवीजन अलॉटमेंट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, NR की जो अलॉटमेंट लिस्ट आएगा या नहीं आएगा। तो दोस्तों, अभी तक तो इससे पहले भी जो ALP का पैनल आया था उसमें भी दोस्तों NR रीजन से कोई भी डिवीजन अलॉटमेंट की लिस्ट नहीं जारी की गई थी। बड़ौदा हाउस जो दिल्ली में है, NR का जो हेडक्वार्टर, वहाँ पे आपका दोस्तों डिवीजन अलॉटमेंट की लिस्ट तो बनती है, बट वो पब्लिश नहीं करते। उस लिस्ट के अनुसार वो सीधा आपको ज्वाइनिंग लेटर भेजते हैं। तो हो सकता है कि इस बार भी वो लोग लिस्ट पब्लिश ना करें, सीधा आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर ही भेजा जाए NR रीजन के जो कैंडिडेट्स हैं। तो दोस्तों, उनको भी बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, उन लोगों के पास डायरेक्ट ज्वाइनिंग आ सकती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ज्वाइनिंग कब तक होने वाली है इन सभी कैंडिडेट की। दोस्तों, अगर ज्वाइनिंग की बात कर लेते हैं तो जहाँ तक मेरे को पता चल पा रहा है कि फरवरी मंथ के बाद ही आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि जो मैंने अभी ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे कुछ लड़के जो ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहे हैं उन लोगों से मैंने बात किया कि अगली बैच कब तक आने वाली है। तो उन्होंने मुझे यही बताया है कि फरवरी में अभी कोई नया बैच नहीं आने वाला है ट्रेनिंग के लिए, मार्च में हो सकता है। अब ये देखना पड़ेगा दोस्तों कि आपकी जो मार्च में बैच आ रही है वो दोस्तों होली से पहले आ रही है, होली की छुट्टियों के बाद आ रही है, ये चीज़ अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। तो जैसे ही क्लियर होगी हम आपको वो भी इन्फॉर्म कर देंगे। दोस्तों, आई होप दोस्तों ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो आप दोस्तों
कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर अगर मुझसे बात करनी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी है टारगेट क्रैक एग्जाम। तो दोस्तों आई होप वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।